हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स एंड वाटर डिमांड, मतलब कि फसलें तथा जल मांग। तो हम देखेंगे कि जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है। तो हमें जैसे पता है कि इंडिया एक विशाल देश है, जिसकी मतलब अलग अलग राज्यों की जो मतलब स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा है तथा वनस्पति, ये सब सारे डिफरेंट है। और हम जैसे ही नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, जो हमारा मौसम है, वो गर्म होता जाता है। मतलब इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो जो मौसम की कंडीशन है वो धीरे धीरे गर्म होती जाती है। और जिनके कारण राज्यों की जो मुख्य फसलें हैं, तो उसमें मतलब हर फसल हर राज्य में अलग अलग मतलब बोई जाती है। तो इसकी जो भारत की जो मुख्य फसलें हैं, जैसे गेहूं मतलब कि वीट, ये सारी जितना भी बता रहे हैं ये सारी भारत की मुख्य फसलें, चना, ग्राम, ज्वार मतलब कि ग्रेट मिलेट, मटर पीस, आलू, पोटैटो, मूंगफली मतलब कि ग्राउंड नट, चावल, राइस, ऐसे ही बहुत सारी मतलब भारत की बहुत सारी मेन फसलें हैं, मेन क्रॉप्स हैं। तो और भी हैं ETC, और भी जैसे मक्का हुआ, बाजरा हुआ, दाल हुआ, राई हुआ, कपास हुआ, चाय हुआ, टी, प्याज हुआ, जूट। तो ये सारे जितने भी हम बता रहे हैं ये सारे हमारे इंडिया के मेन क्रॉप्स हैं। तो ये तो मुख्य फसलें हो गई। अब देखेंगे कि जो क्रॉप्स हैं इसमें देखेंगे क्रॉप्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंजम्पशन, मतलब कि ये जो उपभोग के आधार पर जो फसलें हैं, देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो होता है फूड क्रॉप्स होता है, और दूसरा होता है कैश क्रॉप, मतलब कि उपभोग के आधार पर ये कौन कौन सी फसलें होती हैं, दो होती है, फूड क्रॉप्स होता है, एक कैश क्रॉप। तो जो ये फूड क्रॉप्स होता है, तो फूड क्रॉप्स में तो मेनली जो खाने के लिए होते हैं, जो मेनली ईटिंग पर्पस के लिए जो यूज करते, मतलब ईटिंग पर्पस के लिए जो फसल हम लोग उगाते हैं उसी को हम लोग फूड क्रॉप्स बोलते हैं। ये फसलें सामान्य लोगों के खाने के काम आती हैं, जैसे कि एग्जांपल में हो गया हमारा मतलब राइस हो गया, वीट हो गया, मैज हो गया, ETC। मतलब कि फूड क्रॉप्स में वो फसलें आएंगे जो हम खाने के पर्पस से उगाते हैं, तो उसको हम लोग फूड क्रॉप्स बोलते हैं। कैश कैश क्रॉप उसको बोलेंगे
कि जो जो हम खाते हैं, जो खाद्य फसलें हैं, उसके अतिरिक्त जो फसल उगाते हैं, जिसको जो किसान होते हैं वो अपने खर्चे के लिए, जो किसान होते हैं वो अपने खर्चे के लिए इस टाइप की फसल मतलब उगाते हैं, तो उसको हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं। तो इसमें जो आते हैं उन वो जैसे आपका शुगर कैन हुआ, शुगर कैन हुआ, टी हुआ, सन हुआ मतलब जूट, कॉटन हुआ, तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम लोग मार्केट में सेल करके अपने जो किसान होते हैं मार्केट में इसको बेच के अपनी आवश्यकता अनुसार मतलब अपने खर्चे के लिए पैसा इन क्रॉप से मिल जाता है इनको, तो इसीलिए इनको कैश क्रॉप बोलते हैं। और ये कंजप्शन के हिसाब से दो क्रॉप थे, एक फूड क्रॉप था एक कैश क्रॉप था। और इसमें अब हम ये देखेंगे कि जो मेन क्रॉप है इंडिया और सेंट्रल इंडिया के वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है जो जो मेन क्रॉप है, मेन मेन क्रॉप्स ऑफ नॉर्थ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, क्योंकि जो हमारे जो भारत है, जो इंडिया कंट्री है, वो अपने स्थलाकृति, जलवायु और मृदा तथा वनस्पतियों के विभिन्नता की वजह से हर हर स्टेट का अपना अलग अलग क्रॉप है। जैसे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में इसमें मतलब जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम जो लैंड होता है मतलब वो पर्वतीय होती है, और जो घाटियां होती हैं समतल, घाटी के समतल क्षेत्रों में जैसे कि जो मैक्सिमम जो लैंड होता है ये तो पर्वतीय होती है, इसमें मैक्सिमम आपके पहाड़ वहाड़ टाइप के होते हैं। अगर इसी में अगर जैसे जो फ्लैट सरफेस है तो वहां पर हम लोग चांस होता है कि हम लोग खेती कुछ कर सकते हैं, जैसे वीट का मतलब गेहूं का, और उसके बाद जौ का मतलब बार्ली, और उसके बाद हम लोग इसमें कर सकते हैं चावल राइस का। तो जो जम्मू कश्मीर स्टेट है तो इसमें तो मैक्सिमम आपका जो मतलब एरिया क्षेत्र है वो मतलब पर्वतीय है, तो इसलिए वहाँ पर जो घाटी है अगर वो समतल है तो वहाँ पर हम लोग गेहूँ जौ चावल की खेती कर सकते हैं। और सेकेंड हम देखेंगे जैसे हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये मतलब प्रदेश पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जैसे यहाँ पर जो पर्वतीय ढालों पर हम लोग जैसे फ्रूट्स हुआ, टी हुआ, जो पर्वतीय ढाल है उस पर हम लोग फ्रूट्स और चाय का प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रूट और चाय का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हम लोग चावल भी मतलब कि राइस भी कर सकते हैं, और बार्ली मतलब कि जौ भी कर सकते हैं, और ईटीसी मतलब यहाँ पर कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा है ये हमारे मेन पार्ट्स हैं मतलब नॉर्थ इंडिया के और सेंट्रल इंडिया के, ये सारे मतलब स्टेट हैं। और नेक्स्ट देखेंगे जैसे पंजाब हुआ, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में ये हमें पता है कि ये जो एरिया पंजाब हरियाणा का ये मतलब सिंधु, जो सिंधु नदी है, सिंधु एंड गंगा, गंगा से ये मतलब जो एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल ये बहुत ही, एलुवियल सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है
कि ये हमारे इसमें सिल्ट होता है, सैंड होता है, ये हमारे गंगा और जो सिंधु नदी है उसके साथ बह के आती है, और इस मिट्टी की ये क्वालिटी होती है कि इसमें ये नमी को होल्ड किया रहता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी होती है, मोर फर्टिलिटी, मतलब कि इसमें फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इसमें हम लोग मुख्य जो फसलें उगाएंगे इसमें भी हम लोग वही उगा सकते हैं, वीट हुआ, चना हुआ, ग्राम हुआ, और बाजरा हुआ, चावल हुआ, कपास इत्यादि इसमें अभी हम लोग उगा सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे कि इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तर यूपी एंड उत्तराखंड यूके, मतलब जो यूपी एंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है ये मतलब कि अन्य प्रांतों मतलब अदर स्टेट की अपेक्षा ये मतलब काफी बड़ा है, लार्ज एरिया है, मतलब लार्ज एरिया है। तो इसमें जो उत्तरी जो है मतलब जो उत्तराखंड है ये मैक्सिमम आपके जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र जो है वो है, तो यहाँ पर फलों के अतिरिक्त जैसे फ्रूट्स हैं यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम फ्रूट उगाते हैं, इसके अलावा हम लोग जैसे चावल मतलब राइस भी उगा सकते हैं, मक्का भी, मैज भी, और जौ मतलब कि बार्ली, तो ये सारे हम लोग उगा सकते हैं। और इसमें जो गंगा यमुना है इस एरिया में जैसे गंगा, गंगा एंड यमुना, यमुना है इससे मतलब जो एलुवियल सॉयल है मतलब जड़ोल भूमि जो है, एलुवियल सॉयल मतलब कि जड़ोल, जड़ोल भूमि है, तो ये काफी उपजाऊ होती है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम राइस का खेती कर सकते हैं, वीट का कर सकते हैं, राइस 20 ग्राम का कर सकते हैं, मतलब चना, ज्वार का भी कर सकते हैं, बाजरा का भी, शुगर केन का भी कर सकते हैं, शुगर केन का भी कर सकते हैं, शुगर केन, मटर का भी कर सकते हैं, तो ये ETC मतलब इतने सारे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो फसल है, फसल के जो जो क्रॉप सीजन है, क्रॉप सीजन, तो देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फसलों के मौसम है, फसलों के मौसम इसमें देखेंगे कि फसलों के कौन कौन से मौसम हैं। तो सबसे पहले क्योंकि जो फसल है इसको मतलब बोना, बोना, पकाना, काटना ये सभी हमारे जो सीजन है मतलब जो मौसम है उसी पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए, और ये भी हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा जो है जैसे इंडिया है तो उसमें जो मौसम है उस स्थान पर जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और क्या नाम है जहाँ पर टेम्परेचर होता है उसी के अनुसार मतलब कि वर्ष में बदलते रहते हैं, तो उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार की हमारी जो फसल है उसको भी हम लोग मतलब काटते हैं। तो देखेंगे इसमें मेनली दो ही होते हैं, एक हमारे होते हैं खरीफ, खरीफ, और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स मतलब कि खरीफ, खरीफ फसलें, और नेक्स्ट है रवि, रवि क्रॉप्स, रवि फसलें। तो इसमें देखेंगे कि जो खरीफ है तो खरीफ कब स्टार्ट होता है और इसको क्या क्या, तो इसमें देखेंगे पहला खरीफ, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, तो ये हमारा
मेनली मानसून जब स्टार्ट होता है, मानसून मानसून स्टार्ट होता है उसी टाइम इसको हम लोग बोया जाता है। और इसको जो इसको हम लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में इसको हम लोग एक सावनी सावनी क्रॉप भी बोलते हैं, सावनी क्रॉप्स भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में खरीफ को। मतलब कि ये हमेशा मानसून जब स्टार्ट होता है तो उसी टाइम ये स्टार्ट होता है, इसको नॉर्थ इंडिया में सावनी क्रॉप भी बोलते हैं। और इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है, मतलब जब बोएंगे और मतलब सोइंग करेंगे, बोना मतलब सोइंग करना, हार्वेस्टिंग मतलब काटना, बोते और काटते जब काटेंगे तो उसका कोई एक ड्यूरेशन होता है। तो टोटल ड्यूरेशन इसका जो होता है, टोटल ड्यूरेशन जो टाइम है ये 183 डेज का होता है, मतलब 183 डेज का होता है। और ये हमेशा अप्रैल अप्रैल से सितंबर सितंबर के बीच में होता है, मतलब खरीफ क्रॉप होता है, जो खरीफ जो फसलें होती हैं अप्रैल से सितंबर के बीच में इसको मतलब कि इसको का बोया जाता है और काट लिया जाता है। और इसके बाद और इसमें यह है कि जो रवि एक फसल है, जो रवि था तो उससे ना दो से थ्री टाइम्स अधिक ये वाटर कंज्यूम करता है, वाटर कंजम्पशन, मतलब कि 2 से 3 गुना पानी इसको मतलब चाहिए रवि, एज कंपेयर टू रवि रवि क्रॉप्स, एज कंपेयर टू रवि क्रॉप्स। अब और इसमें देखेंगे कौन कौन से फसल होते हैं, तो एग्जाम्पल में इसमें देखेंगे, इसमें आपका जैसे मक्का मैज हो गया और धान हो गया, राइस हो गया, उसके बाद ज्वार हो गया मतलब ग्रेट मिलेट, और उसके बाद ग्राउंड नट हो गया मतलब कि मूंगफली ग्राउंड नट। ये मतलब ये सारी फसल है खरीफ में बोया जाता है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज समर क्रॉप, मतलब कि इसको ना समर क्रॉप भी बोलते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे रवि, जो रवि फसल है उसको देखेंगे, उसका ड्यूरेशन क्या है और उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, मतलब कि रवि क्रॉप्स। तो ये जो है ये मतलब कि जब मानसून मानसून इंड करेगा, इंडिंग रहेगा, और जो विंटर सीजन है जब स्टार्ट होगा तभी मतलब क्रॉप रबी क्रॉप को बोया जाता है, मतलब कि सोइंग किया जाता है। और इसको हम लोग जैसे कि नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर भारत जो है इसको एक हार्डी हार्डी मतलब कि हार्डी हार्डी क्रॉप के भी नाम से इसको जाना जाता है। और जो इसका ड्यूरेशन टाइम है, जैसे खरीफ का 183 था, इसका जो टोटल ड्यूरेशन टाइम है, टोटल ड्यूरेशन टाइम है, ड्यूरेशन टाइम है वो हमारा 182 डेज का है। और इसको हम लोग अक्टूबर में सोइंग करते हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, और इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है 182 डेज का होता है। इसमें जो फसलें आती हैं जैसे कि हमारा आ गया वीट मतलब कि गेहूं है, दूसरा होगा ग्राम मतलब कि चना है, तीसरा हो गया आपका जौ मतलब कि बार्ली, बार्ली को जौ बोलते हैं, उसके बाद मटर है मतलब कि चौथा है मटर मतलब कि पीस, और पांचवा है आलू टू पुटैटो पुटैटो, और भी बहुत सारी फसलें हैं
जो कि रबी में आती हैं, और इस फसल को एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप्स मतलब कि इसको विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखेंगे इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो खरीफ फसल है और रबी फसल है, तो ये जो फसलें हैं तो उसमें जो फसल आते हैं तो उसको बोने का टाइम क्या होता है और काटने का समय कितना होता है, और उनको हम लोग ये देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर पानी देना है और कितने बार देना है, और उनको ये भी देखेंगे कि उनको मतलब कि सिंचाई की आवश्यकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो रबी है मतलब खरीफ जो फसल है, खरीफ है तो खरीफ में सबसे पहले फसल देखेंगे कौन सा है, तो जो हमारा ये खरीफ है सबसे पहली फसल क्या है, ये आपकी मक्का है, तो इसको बोने का टाइम क्या है, जून है, और काटने का टाइम क्या है इसमें मतलब कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको काट लिया जाता है, और इसको जो पानी कितने सेंटीमीटर तक देंगे मक्के को, ये 25 सेंटीमीटर देंगे, और ये जो सितंबर से अक्टूबर है इसके बीच में जो ड्यूरेशन है उसमें 4 5 से 6 बार इसको हम लोग मतलब पानी देंगे, और इसको पलेव मतलब कि इसको हम लोग पलेवा सिंचाई भी बोलते हैं, मतलब कि ये वो सिंचाई होती है जैसे बीज बोने से पहले अगर खेत की सूखी मिट्टी को नम करने के लिए जो पानी दिया जाता है उसी को हम लोग पलेवा बोलते हैं या पलेऊ पलेऊ सिंचाई बोलते हैं। मतलब ये है जैसे कोई मतलब फसल हम लोग को बोना है, अगर वहां की मिट्टी अगर सूखी है तो उसको उस मिट्टी में नमी लाने के लिए जो पानी दिया जाता है उसी को पलेवा या पलेऊ सिंचाई कहते हैं, और ये फर्स्ट इसको हम लोग फर्स्ट वाटरिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे कि राइस है, तो राइस को मतलब धान है उसको हम लोग जुलाई में बोएंगे और सितंबर से अक्टूबर के बीच में उसको काट लेंगे, और इसमें जो पानी देंगे ये तो हमें पता ही है कि राइस के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें जो है 90 से 150 सेंटीमीटर तक पानी देंगे, और इसको इस ड्यूरेशन में सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको 6 से 8 बार देते हैं, और ये कब देंगे जब वर्षा अंतराल अधिक हो जाए, तो अगर ये तो मैक्सिमम हमारे मतलब वर्षा पर डिपेंड भी रहती है ये वाली मतलब धान की खेती, तो अगर उसमें ज्यादा इंटरवल है मतलब गैप ज्यादा है तब इसको हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है बाजरा मतलब स्पाइक मिलेट, इसको हम लोग जुलाई से अगस्त के बीच में बोते हैं, और इसको जो काटने का जो टाइम है अक्टूबर में इसको काट लेते हैं, और इसको जो पानी है उसको 30 सेंटीमीटर तक देंगे, और इसमें हम लोग 3 से 4 ही बार पानी देते हैं, और यहाँ कभी कभी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ये नहीं है कि बहुत कंपलसरी है पानी, इसको कभी कभी भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे ज्वार, इसको हम लोग ज्वार को हम लोग जुलाई में मतलब जुलाई में बोते हैं, और उसके बाद मतलब चारे के लिए इसको कई बार मतलब हरा रहता है तभी काट लेते हैं, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इसी टाइम में हम लोग काटेंगे, और इसको पानी जो है 30 सेंटीमीटर देते हैं, और उसके बाद 3 से 4 बार देते हैं, प्रत्येक कटाई के पश्चात इसको हम लोग सिंचाई कर देते हैं, ताकि कि हमें जैसे मेनली जैसे जो पशु होते हैं उनको चारे के लिए भी यूज करते हैं, और अगर इनको टाइम मतलब कुछ ड्यूरेशन तक छोड़ दिया जाता है तब इसमें से हम लोग ज्वार मिलता है। नेक्स्ट है मूंगफली, इसको हम लोग मई में बोते हैं, नवंबर से दिसंबर में इसकी कटैया कर लेते हैं, और जो पानी है इसको 45 सेंटीमीटर तक देते हैं, और ये हमारा 4 से 5 बार देते हैं, और इसको भी पलेवा के समय मतलब जो अगर मिट्टी वहां की मतलब सूखी है ड्राई है तो वहां पर जैसे कि हम लोग उसको नमी में लाने के लिए तो उसी को हम लोग पलेऊ बोलते हैं। उसके बाद अरहर जो है,
अरहर मतलब कि अरहर, इसको जुलाई से अगस्त में हम लोग मतलब बोते हैं, और मार्च और अप्रैल के बीच में इसको काट लेते हैं। और इसकी जो पानी की आवश्यकता है 30 सेंटीमीटर, 3 से 4 देते हैं, और इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी दिया जाए। फिर उसके बाद उड़द है और मूंग है, इसको अगस्त में बोते हैं और नवंबर में इसको हम लोग काट लेते हैं। और इसको भी पानी की जो आवश्यकता है 30 से 30 सेंटीमीटर है, और ये आपका 3 से 4 बार देते हैं। और अधिक वर्षा हानिकारक होता है उड़द की, पोटैटो है मतलब कि आलू, इसको फरवरी में बोते हैं और मई में काट लेते हैं। और इसको पानी जो है 30 से मतलब 60 से 90 सेंटीमीटर तक दिया जाता है, और इसको 10 बार दिया जाता है, और सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ये तो हमारा था खरीफ, तो खरीफ में ये सारे मतलब मेन मेन फसलें हैं, और इनका हम लोगों ने देखा कि कब बोने का टाइम होता है और कब काटने का टाइम होता है, और कितने सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे रबी, तो रबी में हम लोगों ने देखा था इसका जो ड्यूरेशन टाइम था मतलब 180 डेज का था, मतलब जो ड्यूरेशन टाइम था 182 डेज का था, और इसको हम लोग अक्टूबर से मार्च के बीच में इस फसल को बोते थे और काट लेते थे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे गेहूं है, तो गेहूं कब बोएंगे, अक्टूबर में, और कब काटेंगे, मार्च और अप्रैल में। और इसको पानी जो है 30 से 40 सेंटीमीटर देते हैं देर तक, और जो इसको 5 से 6 बार देते हैं, और वर्षा को ध्यान में रखकर 3 बार सिंचाई करनी पड़ती है, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तथा पानी की गहराई 12 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अगर ये कि देखेंगे उस क्षेत्र में वर्षा रेनफॉल कितना हो रहा है, उसको ध्यान में देख के इसको 3 बार देते हैं। नेक्स्ट है आपका जौ, जौ को बार्ली बोलते हैं, ये अक्टूबर में बोलते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। इसको 30 सेंटीमीटर तक इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। फिर चना है मतलब ग्राम, इसको भी सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में इसको काट लेते हैं, और ये 30 सेंटीमीटर तक देर तक पानी देते हैं और 3 से 4 बार देते हैं, और इसमें भी इसको कभी कभी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा देंगे। मटर, मटर मतलब पीस, इसमें भी अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं और मार्च में काट लेते हैं, इसको 50 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता पड़ती है, और इसको इसमें जो सिंचाई है वो सामान्य होती है। फिर उसके बाद आलू है, पोटैटो, इसको हम लोग अक्टूबर में बोते हैं, फरवरी में काट लेते हैं, और इसमें जो पानी है 10 बार काटने का समय है, मतलब फरवरी में काट लेते हैं, और ये जो 60 से 90 सेंटीमीटर तक पानी देते हैं, और कितनी बार देते हैं, 10 बार देते हैं, इसमें 10 बार देते हैं, और ये 7 मतलब 7 से 10 दिन के पश्चात सिंचाई आवश्यकता पड़ती है इसमें आलू में। फिर उसके बाद सरसों है, मस्टर्ड, मतलब अक्टूबर से नवंबर तक इसको बोते हैं, और काटने का जो समय होता है ये आपका फरवरी से मार्च होता है, और इसमें जो 45 सेंटीमीटर तक इसको हम लोग देर तक पानी देते हैं, और ये पानी हमको 3 से 4 बार देते हैं, और सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। नेक्स्ट है आपका तंबाकू मतलब टोबैको, ये हमारा अक्टूबर से फरवरी के बीच में इसको बोते हैं, फरवरी से मई में इसको काट लेते हैं, और इसको जो पानी देते हैं, ये हमारा 75 सेंटीमीटर तक देते हैं, और 6 से 8 बार देते हैं, और ये कम अंतराल पर इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हमारा रबी, खरीफ और रबी फसल हो गया। अब इसमें देखेंगे कुछ मतलब कि इसमें कुछ फसलें जो होती हैं पेरिनियल होती है, मतलब कि 12 12 मासी होती है, जैसे शुगर है मतलब शुगर है, तो ये 12 मासी होती है, मतलब फरवरी से मार्च के बीच में इसको बो दिया जाता है, और उसके बाद दिसंबर दिसंबर और मार्च के बीच में इसको काटा जाता है, और इसको पानी की आवश्यकता 1 से मतलब कि पेरिनियल होता है ये, मतलब ये पेरिनियल क्रॉप्स होता है, और ये फरवरी से मार्च के बीच में बोया जाता है, और दिसंबर से मार्च के बीच में काट लिया जाता है, और इसको 120 सेंटीमीटर तक पानी दिया जाता है, 1214 टाइम्स मतलब पानी दिया जाता है, और ये
ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई आवश्यक है तथा वर्षा न होने पर भी। तो एक ऐसी ये फसल है, इसको 12 मंथ तक इसको मतलब फरवरी से मार्च में बोएंगे, और अगले साल मतलब इसी में दिसंबर और मार्च के बीच में इसको काट लेंगे। फिर एक जैसे कि 8 मासी भी होता है, मतलब इसको 8 मंथ वाला 8 मंथ क्रॉप भी बोलते हैं। 8 मंथ क्रॉप मतलब कि जैसे कपास है, कपास, तो कपास को हम लोग 8 मंथ क्रॉप भी बोलते हैं। तो इसको मई के जून में बोते हैं, और जो नवंबर है, नवंबर से दिसंबर के बीच में काट लेते हैं। इसमें 50 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका 6 से 8 बार पानी देते हैं, और सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। थैंक यू।